दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। अमृतपाल सिंह जो हैं उसको फाइनली अरेस्ट किया गया है ऑन 23 अप्रैल। एक लंबे समय से ये व्यक्ति जो है वो हाथ में नहीं आ रहा था और एक बहुत लंबा ड्रामा चल रहा था कि अमृतपाल सिंह जो है वो कहां पर है, लेकिन फाइनली उसने सरेंडर भी कर दिया है और उसको अरेस्ट किया गया है। आपकी स्क्रीन पर बैकग्राउंड में जो तस्वीर है इट्स फ्रॉम अजनाला पुलिस स्टेशन। 24 फरवरी को अमृतपाल सिंह के सपोर्टर्स जो हैं वो यहाँ पर तलवारें और बंदूकें लेकर पहुँच गए। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जेल में होता है या पुलिस कस्टडी में होता है और आपको उनको रिहा करवाना है तो आप लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे, राइट? आप बेल एप्लीकेशन करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन खालिस्तान के सपोर्टर्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, स्वॉर्ड्स और गन्स यानी कि तलवारें और बंदूकें लेकर पहुंच जाते हैं एंड जस्ट इमेजिन के पुलिस स्टेशन पर इन्होंने अटैक कर लिया। अब ये जो अमृतपाल सिंह है ये वारिस पंजाब दे नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड बन चुका है। इससे पहले एक व्यक्ति था दीप सिद्धू जो एक एक्टर था और उसके बाद एक्टिविस्ट बन गया, और जब से ये दीप सिद्धू की मृत्यु हुई है उसके बाद से अमृतपाल सिंह जो है वो लाइमलाइट में आ गया है, स्पॉटलाइट में आ गया है। एक बहुत ही कम समय के अंदर इस व्यक्ति को इतना ज्यादा फेम या फिर इतना ज्यादा फेमस हो गया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। लंबे समय से ये अमृतपाल सिंह और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो खुले तौर पर यू कैन सी के स्वॉर्ड्स यानी कि तलवारें लेकर जा रहे हैं कहीं पर, राइट, बंदूकें लेकर जा रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में बाहर निकल रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं एक लंबे समय से चलती रही। अब ये जो अमृतपाल सिंह हैं वो अपने आप को जर्नैल सिंह भिंद्रन वाले 2.0 के तौर पर प्रेजेंट करना चाहता है। जर्नैल सिंह जो है वो 1984 के समय में एक खालिस्तान मूवमेंट का लीडर रहा, राइट, एंड वी नो के कैसे गोल्डन टेंपल जो है उसके ऊपर इस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। फाइनली ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया एंड इसकी एक अलग से हिस्ट्री है, वैसे मैंने इस पर भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है देन डू चेक आउट माय चैनल, आपको कुछ वीडियोस जो हैं वो खालिस्तान मूवमेंट पर मिल जाएंगे। एनीवेज, तो ये जो अमृतपाल सिंह है वो अपने आप को जर्नैल सिंह 2.0 के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार के कपड़े पहनता है, राइट, इट्स ए सॉर्ट ऑफ यूनिफॉर्म जो वो पहनता है, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये खालिस्तान मूवमेंट जो है वो फिर से उसके आने के बाद एक्टिव हो गया है और वो एक अलग से देश चाहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। एनीवे, अमृतपाल सिंह जो हैं उसको फाइनली पुलिस ने पकड़ लिया है। बट द सैड पार्ट इज एक लंबे समय से ये व्यक्ति जो हैं वो हाथ में क्यों नहीं आया। फाइनली अब इसको डिब्रूगढ़ जेल जो आसाम में है वहाँ पर रखा गया है जो पंजाब से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, ताकि किसी भी प्रकार का पोटेंशियल वायलेंस जो है वो ना हो। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब सरकार से बहुत ही नाराज हुई। द रीज़न इज़ के एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतना सारा वक्त जो है वो कैसे लग सकता है। पंजाब पुलिस में कुछ 80,000 से ज़्यादा पुलिस वाले हैं और एक व्यक्ति को 80,000 से ज़्यादा लोग जो है वो नहीं पकड़ पाए, दिस इज़ ए बिग क्वेश्चन। और ये शर्म की भी बात है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी आप एक व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ पाए। एंड ए बिग क्वेश्चन इज कि क्या इस व्यक्ति को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। अब हमारे देश की जो एम्बेसीज हैं, जिनको आप हाई कमीशन की ऑफिस कह सकते हैं, इन जनरली हम एम्बेसीज या फिर कॉन्सुलेट ऑफिस कहते हैं, तो लंदन और सैन फ्रांसिस्को जैसे सिटीज़ में हमारी इंडियन कॉन्सुलेट के ऊपर ये खालिस्तान वाले लोगों ने हमला भी किया। कुछ हिंदू टेंपल्स ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में जो हिंदू टेंपल्स है तो वहाँ पर भी अटैक किया गया। एनीवे, अब ये जो अमृतपाल हैं उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाई जाएगी और एक बहुत ही वोटर टाइट केस इस पर क्रिएट किया जाएगा ताकि मेक श्योर किया जाए कि ये व्यक्ति जो है वो जेल के बाहर ना निकले। इसके साथ साथ अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये भी लिंक क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ये लिंक बेसिकली फाइंड या फिर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है एक खालिस्तान मूवमेंट को जो पाकिस्तान की ISI यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का जो सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके एविडेंस जब मिलेंगे, राइट, तो ये केस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह जो है उस पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, एबडक्शन और एक्सटोशन के केसेस भी इस व्यक्ति पर हैं। और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, हमारे करंट होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं उनको भी इस व्यक्ति ने धमकी दी है कि जो इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ वही चीज़ जो है वो आपके साथ भी हो सकती है। इसी के साथ दुनिया के अलग अलग देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका,
कनाडा, इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कुछ सिख डायस्पोरा जो हैं वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट भी करते हैं, विच इज़ ए वेरी सैड पार्ट। पुलिस जो है, पंजाब पुलिस पर्टिकुलरली, उसने एक्शन तब ली जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब पुलिस को एक फोर्स किया, कहा कि आप अब इस व्यक्ति पर एक्शन लीजिए। फिलहाल जो पंजाब की सरकार है उनका कहना यह है कि फाइनली हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है, बट वी ऑल नो कि एक बहुत ही लंबा समय लगा, एंड विच इज द मोस्ट सैड पार्ट। ये खालिस्तान मूवमेंट जो है ये एक्चुअली एक और चीज करना चाहती है, इनका हिडन एजेंडा ये है कि हिंदूज और सिख्स के बीच में जो एक लंबे समय से भाईचारा रहा है, तो इस भाईचारे को आप तोड़िए, हिंदू वर्सेस सिख की सिचुएशन क्रिएट कीजिए, और उसके बाद आपका जो एजेंडा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये एक आइडियोलॉजी के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अब रही बात पंजाब की, तो वी ऑल नो कि ये पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट जो है इतना कोई खास सक्सेसफुल नहीं रहा है और सक्सेसफुल रहेगा भी नहीं। उसके पीछे भी एक रीज़न है, एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, आप इसको देख सकते हैं कि क्यों ये खालिस्तान मूवमेंट जो हैं ये बकवास हैं या फिर ये बेकार हैं, ये फ्यूटाइल हैं, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसके पीछे एक डीप एनालिसिस मैंने किया है, क्लिक द लिंक हियर इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यू विल नो अबाउट दिस खालिस्तान मूवमेंट कि क्यों ये एक मेजर फेलियर रहा है और आने वाले समय में भी ऐसी ही चीज़ होगी। ऑफकोर्स जो पंजाब के सिख हैं दे आर नॉट सपोर्टिंग खालिस्तान, कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं लेकिन मेजोरिटी जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं, और इस बात का सबूत यही है कि लास्ट जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने अपनी सरकार को चुना डेमोक्रेटिक सिस्टम से, वहाँ पर वोटिंग हुई और आम आदमी पार्टी जो हैं उनको एक बहुत बड़ी मेजोरिटी मिली। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि पंजाब के लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। दूसरी जो चिंता की बात है वो ये है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो 1980s और 1990s में वायलेंस पंजाब में देखने को मिला, ऐसा फिर से देखने को ना मिले, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक श्योर इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारे किसानों को और हमारे सोल्जर्स को ऐसे गुमराह ना करें, उनको भड़काए नहीं, या फिर उनको यू नो ल्यूर ना करें, ल्यूर इन द सेंस के उनको ऐसी गलत चीज़ें, अपना प्रोपोगेंडा जो है वो फैलाकर हमारे किसानों को और हमारए सोल्जर्स को एंटी इंडिया ना बनाए। वी हैव टू मेक श्योर, और इस चीज़ को तभी किया जा सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज ए टीम मिलकर काम करेगी, और इसी के साथ साथ लोगों को भी और रिलीजियस लीडर्स जो हैं उनको भी मिलकर काम करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि इस प्रकार का एजेंडा जो है वो हमारे देश में सक्सेसफुल कभी ना रहे। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम इज कंसर्न। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।